हेलो एवरीवन। तो लूसेंट जीके के इस क्लास में आपका स्वागत है। लूसेंट जीके में हमने मेडिएवल इंडिया को पढ़ना स्टार्ट किया था और मेडिएवल इंडिया में हमने सल्तनत काल पढ़ना शुरू किया है। सल्तनत पीरियड के बारे में, सल्तनत पीरियड में हमने पढ़ा स्लेव डायनेस्टी के बारे में, गुलाम वंश के बारे में, फिर हमने पढ़ा तुगलक वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में। तो इन सभी के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। अब हमें आज इस वीडियो में पढ़ना है सैयद वंश के बारे में और लोधी वंश के बारे में। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि सल्तनत काल में कैसे आर्ट होता था, कैसे आर्किटेक्चर का कैसे कैसे विकास हुआ, लिटरेचर में क्या क्या विकास किए गए, इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। और आज के वीडियो में ही हमारा सल्तनत काल समाप्त हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है सैयद वंश, जिसका कि शासनकाल रहता है 1400 से लेकर 1450 AD तक। तो तिमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में, तो जब तिमूर लंग जब यहाँ से जाने लगा तो उसकी रास्ते में ही मौत हो जाती है, जब वो चाइना पर विजय प्राप्त करने के लिए जाता है। तो उसने अपने एक नॉमिनी को यहाँ छोड़कर गया था जिसका नाम था खिज्र खान। तो खिज्र खान को नॉमिनेट करके, यानी उसको नामित करके, वो यहाँ के नए सुल्तान को बनाकर यहाँ से लौट गया था। तो खिज्र खान ही था जो कि सैयद वंश का फाउंडर था, संस्थापक था। ही वॉज द फर्स्ट ऑफ द सैयद डायनेस्टी विच रूल्ड ओवर दिल्ली एंड सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट। तो यह पहला ऐसा शासक था सैयद वंश का जिसने दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों पर, उसके आसपास के जिलों पर शासन किया था। अब खिज्र खान के बाद आता है मुबारक शाह, जिसका कि शासन काल रहता है 1421 से लेकर 1434 तक। तो खिज्र खान का जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है मुबारक शाह। तो ही वाज सक्सीडेड खिज्र खान एट थ्रोन आफ्टर ही सक्सेसफुल एक्सपेडिशन अगेंस्ट मेवातिस कतेहार्स एंड गंगेटिक दुआब एरिया। तो ये अभियान करता है मेवातिस पर, कटिहार्स पर और गंगा का जो दुआब क्षेत्र था उस पर। और इन्हीं सब पे विजय प्राप्त करने के बाद, सफल अभियान के बाद, ये खिज्र खान का उत्तराधिकारी बनता है और अगला सैयद वंश का शासक भी बनता है। ही वॉज किल्ड बाई द नोबल्स इन हिज कोर्ट, और इसे अपने ही दरबार के नोबलों द्वारा मार दिया जाता है। अब मुबारक शाह के बाद आता है मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह का जो शासन काल था वो था 1434 से लेकर 1443 तक। तो नोबल्स पुट मोहम्मद शाह ऑन द थ्रोन, तो मुबारक शाह को मारकर नोबल जो थे वो मोहम्मद शाह को सिंहासन पर बैठा देते हैं। बट ही कुड नॉट सर्वाइव इन फाइटिंग अमंग द नोबल्स इन द कोर्ट। ही वॉज अथोराइज टू रूल ओनली अ मीगर एरिया अराउंड 30 miles एंड रेस्ट ऑफ द सल्तनत वॉज रूल्ड बाई द नोबल्स। यानी कि नोबल जो थे पूरी तरह से पावर में थे और जो नोबल इस पे जो अधिकार जमाना चाहते थे ये उनमें सक्षम नहीं हो पाया, उनके उनके पावर्स के सामने ये नहीं टिक पाया। तो ये कुछ 30 miles के एरिया में ही इसको दे दिया गया था कि आप इतने दूर में ही शासन करिए, बाकी जो सल्तनत का जो क्षेत्र था वो नोबलों के द्वारा शासन किया जाता था। अब हम आलम शाह आता है मोहम्मद शाह के बाद। तो लास्ट सैयद किंग डिसेंडेड इन फेवर ऑफ बहलोल लोदी एंड रिटायर्ड। तो लास्ट सैयद किंग, सैयद जो राजा था, सैयद वंश का लास्ट राजा था वो था आलम शाह। दस बिगिन द लोधी डायनेस्टी विच कन्फाइंड टू दिल्ली एंड अ फ्यू सराउंडिंग एरिया। तो आलम शाह बनता है सैयद वंश का लास्ट राजा और उसके बाद शुरू होता है लोधी वंश। अब आता है लोधी वंश, जिसका कि शासन काल रहता है 1451 से लेकर 1526 AD तक। तो सबसे पहला जो लोधी वंश का जो संस्थापक होता है वो होता है बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी वाज वन ऑफ द अफगान सरदार। तो ये एक अफगान सरदार था। ही इस्टेब्लिश हिमसेल्फ इन द पंजाब आफ्टर द इन्वेशन ऑफ तिमूर। ही फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी। तो जब तिमूर का आक्रमण हुआ था भारत पे, तो उसी समय इसने पंजाब में अपने आप को स्थित करा लिया था और उसी के बाद जी आलम शाह के बाद ये लोधी वंश का भी फाउंडर बन जाता है और लोधी वंश का संस्थापक बन जाता है। अब बहलोल लोधी के बाद आता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी वॉज वन ऑफ द सन ऑफ बहलोल लोधी हु कॉन्क्वर्ड बिहार एंड वेस्टर्न बंगाल। तो बहलोल लोधी का बेटा था सिकंदर लोधी, जिसने कि बंगाल और बिहार के क्षेत्रों को जीता था। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, अ सिटी फाउंडेड बाई हिम। तो सिकंदर लोधी जो था वो दिल्ली से आगरा को अपनी राजधानी बनाता है, जो कि उसने खुद इस शहर का निर्माण किया था। तो आगरा शहर का निर्माण सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया था और दिल्ली से आगरा इसने अपना राजधानी शिफ्ट किया था। सिकंदर वॉज अ फनेटिकल मुस्लिम एंड ब्रोक द सेक्रेड इमेजेस ऑफ ज्वालामुखी टेम्पल एट नागरकोट एंड ऑर्डर द टेम्पल ऑफ मथुरा टू बी डिस्ट्रॉयड। तो सिकंदर लोधी जो था वो फैनाटिकल मुस्लिम, यानी कि एक कट्टर
मुसलमान था, और जितने भी पवित्र मूर्तियां थी ज्वालामुखी मंदिर का जो नागरकोट में है वहां के पवित्र मूर्तियों को इसने तोड़वा दिया एंड ऑर्डर द टेम्पल्स ऑफ मथुरा टू बी डिस्ट्रॉयड, और मथुरा में जितने भी मंदिर थे उनको नष्ट करने का आदेश दे दिया। ही टूक अ कीन इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि में भी उसका काफ़ी गहरा रुचि था, और ही इंट्रोड्यूस्ड गज ए सिकंदरी, यानी कि सिकंदर यार्ड ऑफ 30 डिजिट फॉर मेजरिंग कल्टिवेटेड लैंड, यानी कि वो अपने नाम पर गज ए सिकंदरी एक मेथड लाया, एक तरीका लाया जिसपे कि एक 32 डिजिट फॉर मेजरिंग कल्टिवेटेड, यानी कि जो सिंचित खेत होते थे उसको मेजर करने का ये एक तरीका था जिसे गज ए सिकंदरी कहा जाता था। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो सिकंदर लोधी के द्वारा। ही वॉज अ पोएट एंड कंपोज्ड पोएम्स इन पर्शियन विद द नेम गुलरुखी, यानी कि वो एक कवि था सिकंदर लोधी, और उसने पर्शिया भाषा में कविता की भी रचना की है, और उसका किस नाम से, तो गुलरुखी के नाम से। अब सिकंदर लोधी का जो अगला उत्तराधिकारी बनता है वो होता है इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी जो होता है वहीं से अब लोधी वंश का अंत हो जाता है, वो लोधी वंश का अंतिम शासक बनता है। तो ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ लोधी डायनेस्टी एंड लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, यानी कि लोधी वंश का भी अंतिम शासक था, और दिल्ली सल्तनत का भी सुल्तान ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली का भी अंतिम सुल्तान था। ही वॉज द सन ऑफ सिकंदर लोधी, ये सिकंदर लोधी का बेटा था। द अफगान नोबिलिटी वॉज ब्रेव एंड नोबिलिटी एंड फ्रीडम लविंग पीपुल, तो अफगान नोबिलिटी जो थे वो बहादुर थे और फ्रीडम लविंग पीपुल थे, यानी कि आज़ादी प्रिय व्यक्ति थे। बट इट वॉज ऑफ बिकॉज ऑफ इट फिसी पैरस एंड इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसीज, यानी कि इसका जो मनोवृत्ति था वो था विभाजित करने वाला, व्यक्तिगत उसके जो मनोवृत्ति थी, तो उसने क्या किया कि इसके वजह से अफगान मोनार्की वॉज वीकेंड, यानी कि अफगान का जो मोनार्की था, राजशाही था, वो क्या हुआ, वो कमज़ोर पड़ गया। मोर ओवर इब्राहिम लोधी असर्टेड द एब्सोल्यूट पावर ऑफ सुल्तान, यानी कि उसने निरपेक्ष तरह से अपने सुल्तान होने का दावा किया। एज ए रिजल्ट सम ऑफ द नोबल्स टर्न्ड अगेंस्ट हिम, इसका परिणाम ये हुआ, यानी कि वो एक निरपेक्ष तरीके से ये दावा किया कि जितने भी पावर्स हैं वो सुल्तान के हाथों में आना चाहिए, यानी कि मेरे हाथों में आना चाहिए, जो इब्राहिम लोधी था। और इसका परिणाम ये हुआ कि जितने भी नोबल्स थे उसके कोर्ट में, उसके दरबार में, वो उसके अगेंस्ट हो गए, उसके विरोध में खड़े हो गए। एट लास्ट दौलत खान लोधी द गवर्नर ऑफ पंजाब इन्वाइटेड बाबर टू ओवरथ्रो इब्राहिम लोधी, और अंत में क्या हुआ कि दौलत खान लोधी जो था, गवर्नर था पंजाब का, तो इसने बाबर को आमंत्रित किया, किस लिए, तो इब्राहिम लोधी को बाहर उखाड़ फेंकने के लिए, यानी कि इसको मार देने के लिए। बाबर एक्सेप्टेड द ऑफर एंड इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग डिफीट ऑन इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। तो दौलत खान लोधी जो पंजाब का गवर्नर था, इसने बाबर को बुलाया था इब्राहिम लोधी को मारने के लिए, उसको हराने के लिए, तो बाबर ने इस आमंत्रण को स्वीकार किया और इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में जो हुआ था उसने इब्राहिम लोधी को हरा दिया। इब्राहिम लोधी वॉज किल्ड इन द बैटल नॉर्मल एंड विथ हिम एंडेड द दिल्ली सल्तनत। तो इब्राहिम लोधी जो था वो बहुत ही आसान तरीके से बैटल में, लड़ाई में, युद्ध में मारा गया, और इसी के मरने के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। अब काजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत जो था उसके डिक्लाइन का, उसका जो विध्वंस हुआ, उसका जो अंत हुआ, उसके क्या क्या कारण थे। द मेन काजेज वेर डिस्पोटिक एंड मिलिट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपुल, यानी कि जो उसका निरंकुश तरीके का एक मिलिट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट था, मिलिट्री सैन्य टाइप का जो वो उनका सरकार था, उनका शासन करने का व्यवस्था था, तो वो एक निरंकुश तरीके से चलता था, यानी कि लोगों का वो कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाए, लोगों का जो उनके ऊपर भरोसा था वो नहीं जीत पाए, तो ये एक कारण था कि दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। दूसरा कारण था डी जेनरेशन ऑफ दिल्ली सुल्तान, यानी कि जो दिल्ली के सुल्तान थे उनका वो भ्रष्ट हो गए, यानी कि स्पेशली द वाइल्ड प्रोजेक्ट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक इन कॉम्पिटेंस ऑफ फिरोज तुगलक, यानी कि जितने भी दिल्ली के सुल्तान थे जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक था, तो उसने कुछ ऐसी परियोजनाएँ लेकर आया जिससे कि जो कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और उसको फिर से वो सब सारी परियोजनाओं को वापस लेना पड़ा।
और इनकॉम्पिटेंस ऑफ फिरोज तुगलक, यानी कि जो अक्षमता थी कार्य करने में वो सक्षम नहीं हो पाता था फिरोज तुगलक, तो ये सारा जो कारण थे यानी कि दिल्ली के सुल्तान जो थे वो कुछ भ्रष्ट भी हो गए थे। वार ऑफ सक्सेशन एज देर वॉज नो फिक्स लॉ फॉर सक्सेशन, यानी कि उत्तराधिकारी बनने का कोई एक फिक्स कानून नहीं था कि कौन उत्तराधिकारी बन सकता है, इसलिए जब कोई राजा मरता था तो उत्तराधिकारी बनने के लिए हमेशा वार ऑफ सक्सेशन होता था, यानी कि उत्तराधिकारी बनने के लिए हमेशा लड़ाई और झगड़े होते थे या किसी को मार कर कोई उत्तराधिकारी बन जाता था। तो ये भी एक कारण था कि कोई फिक्स लॉ नहीं था, कोई फिक्स कानून नहीं था कि कौन अगला उत्तराधिकारी बनेगा। ग्रीड एंड इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द नोबल, यानी कि जितने भी नोबल रहते थे कोर्ट में दरबार में राजाओं के, उनके लालच की वजह से, उनकी अक्षमताओं की वजह से भी जो दिल्ली सल्तनत था उसका अंत हुआ। डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो उनका सैन्य संगठन था वो दोषपूर्ण था, जो जितने भी उनके सैनिक संगठन थे वो दोषपूर्ण थे यानी कि डिफेक्टिव थे। वास्टनेस ऑफ द एम्पायर एंड पुअर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि दिल्ली सल्तनत काफ़ी बड़ा हो चुका था और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो था वो बहुत पुअर था, यानी कि दूर दूर के लोगों तक राजा की आवाज़ नहीं पहुंच पाती थी, उनके शासन की व्यवस्था वहाँ तक नहीं पहुंच पाती थी, ये भी एक कारण था कि दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, यानी कि वित्तीय अस्थिरता भी उनके साम्राज्य में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। नंबर ऑफ स्लेव्स इंक्रीज टू 180,000 इन फिरोज तुगलक टाइम विच वॉज अ बर्डन ऑन ट्रेजरी, यानी कि गुलामों की जो संख्या थी वो 180,000 तक बढ़कर हो गई फिरोज तुगलक के समय में, और ये ट्रेजरी पर यानी कि जो राजा का खजाना होता था, राज्य का खजाना होता था, उस पर ये काफ़ी बोझ होने लगा। यानी कि 180,000 अगर गुलाम हैं तो उनको खाने को, उनके रहने को, उनके जो पेंशन बनते थे, उनके जो पैसे बनते थे, ये सब का भी जुगाड़ करना पड़ता होगा, तो ये जो ट्रेजरी था, खजाना था राज्य का, उस पर काफ़ी बर्डन पड़ने लगा, काफ़ी बोझ पड़ने लगा। नौवा जो कारण था दिल्ली सल्तनत का वो था इन्वेशन ऑफ तिमूर, यानी कि तिमूर लंग का आक्रमण हुआ, इस वजह से भी दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ गया। अब हम मंगोलियन इन्वेशन ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, तो अब दिया है कि कुछ मंगोलों का भी आक्रमण हुआ था दिल्ली सल्तनत में, कब कब और किसके शासनकाल में हुआ था इसके बारे में जानना है। तो रेजिम ऑफ सुल्तान, यानी कि किस सुल्तान का शासन था, किस साल में आक्रमण किया गया और उस समय क्या इवेंट्स हुए, यानी कि क्या क्या हुआ। तो इल्तुतमिश के समय 1221 में चंगेज़ खान केम अप टू द बैंक ऑफ इंडस, यानी कि चंगेज़ खान जो था वो सिंधु नदी के किनारे पर आया। बहराम शाह के शासनकाल में, जो कि 1241 एडी में, तैयर बहादुर इंटर्ड पंजाब लूटिंग एंड किलिंग एट लाहौर, यानी कि तैयर बहादुर पंजाब के क्षेत्रों में घुसकर वहां लूटपाट किया और लोगों को मारा भी लाहौर में। मसूद के समय में 1245 एडी में मंगोलों का आक्रमण होता है, तो उस समय कौन था, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1245 एडी बलबन फाउट बैक मंगोलियंस एंड रिकवर्ड मुल्तान विच वॉज कैप्टर्ड बाई मंगोल्स। तो बलबन जो था वो मंगोलों के खिलाफ लड़ा, उनके विरुद्ध लड़ा, और मुल्तान जो मंगोलों के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था, मुल्तान के क्षेत्रों को उन लोगों ने कैप्चर कर लिया था, तो उससे फिर से वापस लाया। अब बलबन के समय में 1279 एडी में प्रिंस मोहम्मद ऑफ मुल्तान, यानी कि मुल्तान का प्रिंस मोहम्मद, बुगरा खान फ्रॉम सवाना एंड मालिक मुबारक ऑफ दिल्ली कम्बाइंड टुगेदर टू डिफीट मंगोल्स, यानी कि प्रिंस मोहम्मद मुल्तान का, बुगरा खान और सवाना और मालिक मुबारक जो था वो, ये सब एकजुट हो गए मंगोलों के को हराने के लिए, मंगोलों के खिलाफ लड़ने के लिए 1279 एडी में बलबन के शासनकाल में। अब बलबन के शासनकाल में ही 1286 एडी में तमार इन्वेडेड इन, यानी कि तमार जो था वो भारत पे आक्रमण करता है। प्रिंस मोहम्मद वाज किल इन द बैटल, और मुल्तान का जो प्रिंस मोहम्मद था इस लड़ाई में मारा जाता है, एंड वाज डेकोरेटेड विथ खान ए शहीद टाइटल, और प्रिंस मोहम्मद को खान ए शहीद की उपाधि दी जाती है। अब जलालुद्दीन खिलजी के समय में 1292 एडी में अब्दुल्ला केम टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के उत्तरी भाग में अब्दुल्ला आता है। अबाउट 4000 मंगोल्स गोट कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड बिकम द फेमस न्यू मुसलमान, और इस समय क्या होता है जलालुद्दीन खिलजी के समय कि अब्दुल्ला जो था वो भारत के उत्तरी भाग में आता है और लगभग 4000 मंगोलों को इस्लाम में बदल लिया जाता है, इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया जाता है, और ये नए प्रसिद्ध मुसलमान बन जाते हैं।
अब अलाउद्दीन खिलजी के समय में 1296 से लेकर 1299 एडी के बीच में क्या होता है कि जफर खान डिफीटेड मंगोल्स एट जालंधर एंड सल्दी, देयर लीडर वाज टेकन प्रिजनर। तो जफर खान जो था वो मंगोलों को जालंधर और सल्दी में हरा देता है और उनके जो नेता थे मंगोलों को उन्हें बंदी बना लिया जाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी के समय 1304 एडी में क्या होता है कि अली बेग एंड तास वेयर डिफीटेड, अली बेग और तास को हरा दिया जाता है। अब मुहम्मद बिन तुगलक के समय 1329 एडी में तरमासेरीन खान वाज एबल टू रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली बट वाज डिफीटेड बाय मुहम्मद बिन तुगलक। तो तरमासेरीन खान जो था वो दिल्ली के कुछ बाहरी क्षेत्रों पर पहुंचा लेकिन उसे मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा हरा दिया गया। अब है एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। द टर्किश सुल्तान इन इंडिया डिक्लेयर देमसेल्फ लेफ्टिनेंट ऑफ द फेथफुल अब्बासिद कलीफेट ऑफ बगदाद एंड इंक्लूडेड इन हिज नेम खुतबा। इट डिड नॉट मीन दैट कलीफ बिकेम द लीगल रूलर, द कलीफ हैड अ मोरल ओनली अ मोरल पोजिशन। तो सुल्तान जो टर्किश सुल्तान भारत में अपने आप को लेफ्टिनेंट ऑफ द फेथफुल यानी कि विश्वासियों का लेफ्टिनेंट घोषित कर देता है। दैट इज अब्बासिद कलीफेट ऑफ बगदाद यानी कि बगदाद का अब्बासिद खलीफा एंड इंक्लूडेड हिज नेम खुतबा और अपने नाम में वो खुतबा ऐड कर लेता है। इट डिड नॉट मीन द खलीफ बिकेम द लीगल, इसका मतलब ये नहीं था कि जो खलीफ थे बगदाद के वो लीगल रूलर बनते हैं यानी कि वो लीगल तरीके से शासक बनते हैं। द खलीफ हैज़ ओनली अ मोरल पोजिशन यानी कि उनकी जो राज्य में जो स्थिति थी वो नैतिक तरीके से रहते थे, उनकी नैतिक स्थिति थी दरबार में, वो लीगल रूलर नहीं बन पाए। पॉलिटिकल जो था वो लीगल एंड मिलिट्री अथॉरिटी वाज वेस्टेड इन द सुल्तान यानी कि जितने भी राजनीतिक था, लीगल था और मिलिट्री अथॉरिटी था, ये सब जो था वो सुल्तान में ही वेस्टेड थे यानी कि सुल्तान के पास ही पॉलिटिकल, लीगल और मिलिट्री पावर्स होते थे। ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड वाज आल्सो कमांडर इन चीफ ऑफ द मिलिट्री फोर्सेज। तो जितने भी प्रशासन होते थे राज्य में, प्रशासनिक व्यवस्था, उन सबका जिम्मेदार कौन होता था, तो सुल्तान होता था और वो मिलिट्री फोर्सेस का सैन्य बल जो होते थे उनका कमांडर इन चीफ भी होता था सुल्तान। नो क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन डेवलप्ड अमंग मुस्लिम रूलर्स यानी कि उत्तराधिकारी बनने के लिए कोई एक साफ सुथरी कानून नहीं थी, कोई एक कानून नहीं था मुसलमान शासकों के बीच में। दस मिलिट्री स्ट्रेंथ वॉज द मेन फैक्टर इन द सक्सेशन टू द थ्रोन। इस वजह से क्या था कि जो भी मिलिट्री स्ट्रेंथ था, सैन्य बल था, वही मेन कारक था अगले जो शासक बनेंगे अगला उत्तराधिकारी बनाने में, यानी कि जिसके पास मिलिट्री शक्ति ज़्यादा होगी वो पिछले राजा को हरा के, पिछले राजा को मार के अगला उत्तराधिकारी बन जाता था। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अब कुछ डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है जो कि दिल्ली सल्तनत के समय बनाए गए थे और उनका हेड कौन था, उनका मुखिया कौन था या उससे किसके द्वारा स्थापना किया गया था। तो दीवान ए विजारत यानी कि ये वित्त का डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, और इसका हेड कौन था, इसका प्रमुख था वजीर। दीवान ए अरीज ये था मिलिट्री डिपार्टमेंट, ये था एक सैन्य डिपार्टमेंट और इसका जो हेड होता था वो था अरीज ए मुमालिक। दीवान ए इंसा यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस और इसका जो हेड होता था वो था दबीर ए मुमालिक। दीवान ए रिसालत डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स यानी कि अपील करने का डिपार्टमेंट और इसका जो हेड होता था वो होता था दबीर ए मुल्क। दीवान ए मुस्तखराज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स और ये किसके द्वारा स्थापना किया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवान ए रियासत यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स वाणिज्य का जो डिपार्टमेंट होता था उसे दीवान ए रियासत कहा जाता था और ये रैस ए ममालिक के द्वारा यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। दीवान ए कोही यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था, कृषि का डिपार्टमेंट जिसे दीवान ए कोही कहा जाता था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापना किया गया था। दीवान ए बंदगन तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव था यानी कि गुलामों का एक डिपार्टमेंट था और ये फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। दीवान ए खैरात यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी यानी कि दान पुण्य देने वाला डिपार्टमेंट और ये फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। दीवान ए इस्तियाक यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन देने वाला डिपार्टमेंट और यह फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था।
और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और उसके हेड यानी कि प्रशासनिक इकाई क्या क्या थी और उसके हेड उसके प्रमुख कौन होते थे। तो एकता था पहले, तो एकता का मतलब होता है प्रोविंस यानी कि प्रदेश, और उसका जो हेड होता था उसे मुक्ति या वाली कहा जाता था। उसके बाद आता था सिक यानी कि डिस्ट्रिक्ट या जिला, और उसका जो हेड होता था वो होता सिकदार। अगला होता था परगना यानी कि तालुक, और इसका जो हेड इसका जो प्रमुख होता था उसे चौधरी या अमील कहा जाता था। उसके बाद सबसे अंतिम जो इकाई था प्रशासन का वो था ग्राम यानी कि विलेज, और उसका जो प्रमुख होता था वो होता था मुकद्दम या खूट। अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर अंडर दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंदर कला और वास्तुकला कैसे थी। द न्यू फीचर ब्रॉट बाय द तुर्किश कंक्वेरर्स वेयर द डोम द लॉफ्टी टावर्स द ट्रू आर्क अनसपोर्टेड बाय बीम और द वॉल्ट। तो जो तुर्किश कॉन्क्योरर थे, जो तुर्किश आक्रमणकारी थे, उनके द्वारा कुछ नए नए फीचर्स लाए गए थे। क्या क्या था? तो डोम था यानी कि गुंबद बनाने का, लॉफ्टी टावर्स यानी कि कुछ ऊंचे ऊंचे टावर बनाए जाते थे, ट्रू आर्क अनसपोर्टेड बाय बीम यानी कि आर्क के तरह होता था बनाया जाता था बिल्डिंग्स को। उसके बाद वॉल्ट भी उसमें होता था जितने भी बिल्डिंग्स बनाए जाते, जितने भी वास्तुकला होते थे। दे ऑल्सो ब्रॉट विद देम एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द यूज़ ऑफ कॉन्क्रीट एंड मोर्टर विच हैड हिथरटू बीन लिटिल यूज इन इंडिया। तो उन्होंने अपने साथ कॉन्क्रीट और मोर्टर यानी कि ओखल जो होता है उसका भी उपयोग करने का जो तरीका था वो भारत में लेकर आए थे, जो कि पहले बहुत कम भारत में ऐसा इस सब का चीज़ों का उपयोग किया जाता था। और ये किन के द्वारा लाया गया? तो ये दिल्ली के सुल्तानों द्वारा ये सारे चीज़ें लाए गए थे। 2.5 दिन का झोपड़ा एट अजमेर हैड अ ब्यूटीफुल प्रेयर हॉल। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में उसका एक बहुत ही खूबसूरत प्रेयर हॉल था, प्रार्थना करने वाला हॉल था। एंड एक्सक्यूजिवली कार्व्ड मेहराब ऑफ वाइट मार्बल एंड डेकोरेटिव आर्क स्क्रीन जो कि बहुत ही नजाकत से बनाया गया था वाइट मार्बल से, और उसका बहुत ही सुंदर डेकोरेटिव यानी कि बहुत सुंदर सजाकर उसका आर्क बनाया गया था, आर्क स्क्रीन बनाया गया था 2.5 दिन के झोपड़ा में। द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रू आर्क इज सेड टू बी द टॉम्ब ऑफ गियासुद्दीन बलबन इन मेहरौली दिल्ली। तो पहला जो एग्जाम्पल है ट्रू आर्क का यानी कि वो सर्ड का, वो टॉम्ब ऑफ गियासुद्दीन बलबन, जो गियासुद्दीन बलबन का जो टॉम्ब था, जो मकबरा था मेहरौली में, उसका उसे कहा जाता है। द इन द खिलजी पीरियड द यूजेज ऑफ वेड आर्क एंड द डोम वॉज इस्टेब्लिश्ड एंड फॉर ऑल यानी कि जो खिलजी का समय जब आया तो सब जितने भी बिल्डिंग्स थे इन सब में आर्क और डोम का इस्तेमाल किया जाने लगा, गुंबदों का इस्तेमाल किया जाने लगा, गोल तरीके से गुंबदों का निर्माण किया जाने लगा। फेमस एग्जांपल इज द टॉम्ब ऑफ हजरत नियामुद्दीन औलिया एट दिल्ली। तो जो इसका महत्वपूर्ण प्रसिद्ध उदाहरण जो है वो टॉम्ब ऑफ हजरत निज़ामुद्दीन औलिया, तो निज़ामुद्दीन औलिया का जो मकबरा है दिल्ली में वो इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है। द तुगलक बिल्डिंग शो स्टार्क सिंप्लिसिटी एंड सोबरिटी। तो तुगलक जो बिल्डिंग होते थे, तुगलक काल के जो भी बिल्डिंग्स होते थे उनमें काफ़ी सरल तरीके से, काफ़ी संयम तरीके से उसका निर्माण किया गया था। प्रोबेबली इंडिकेटिंग लेस फाइनेंशियल सोर्सेज यानी कि बहुत ही कम वित्तीय स्रोतों में उनका निर्माण किया गया था, बहुत ही कम पुरातनिक एज वेल एज पुरातनिकल टेस्ट यानी कि बहुत ही कम शुद्धता परीक्षण करा के, बहुत ही कम सोर्सेस में, बहुत ही कम स्रोतों से उसका निर्माण किया गया था, बहुत ही कम संसाधनों से। स्लोपिंग वॉल्स एंड डार्क अपीयरेंस करेक्टराइज्ड बिल्डिंग्स यानी कि जितने भी उसके वॉल्स होते थे, दीवार होते थे, वो स्लोपिंग होते थे और उसमें डार्क अपीयरेंस आता था बिल्डिंग्स में। सो नोटेबल तुगलक मोनूमेंट्स वेयर फोर्ट ऑफ तुगलकाबाद। तो इसमें कुछ तुगलक का जो मोनूमेंट्स था, तुगलक के जो कुछ बिल्डिंग्स थे, कुछ जो बिल्डिंग्स का उन्होंने निर्माण कराया था, कुछ संरचनाओं का, वो है फोर्ट ऑफ तुगलकाबाद यानी कि तुगलकाबाद का किला, टॉम्ब ऑफ गियासुद्दीन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा, विच मार्क्ड अ न्यू फेज इन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बाय सर्विंग एज ए मॉडल फॉर लिटल टॉम्ब्स एंड फोर्ट ऑफ आदिलाबाद यानी कि एक नए इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर यानी कि भारत और इंडो इस्लामिक, जिसे कहते हैं इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण निकल करके आया इन सब तुगलक के द्वारा जो भी बिल्डिंग्स का निर्माण कराया गया था। और आगे भी जितने भी टॉम्स बने, आगे जितने भी मकबरा बने, फोर्ट ऑफ आदिलाबाद, आदिलाबाद का किला बना, तो इन सब के लिए ये सब बिल्डिंग्स जो थे वो मॉडल का काम किए। द सैयद पीरियड वाज टू शॉर्ट टू अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ एलाबोरेट बिल्डिंग्स यानी कि सैयद पीरियड में
कोई इतना ज़्यादा वो समय नहीं था, यानी कि 1400 से लेकर 1450 तक इनका शासन था। तो इस छोटे से पीरियड में ज़्यादा कुछ बिल्डिंग्स का इन लोगों ने निर्माण नहीं करा पाया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डबल डोम्स वॉज द मेन फीचर ऑफ लोधी आर्किटेक्चर। तो लोधी आर्किटेक्चर में, लोधी वास्तुकला में कंस्ट्रक्शन ऑफ डबल डोम्स यानी कि डबल गुंबदों का निर्माण कराया जाता था और ये लोधी वास्तुकला का एक प्रमुख फीचर था। वन बिल्डिंग वर्थ नोटिंग इज मोथ की मस्जिद इरेक्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिकंदर लोधी। तो इसमें एक बिल्डिंग था जो कि सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री द्वारा बनाया गया था, जिसे मोथ की मस्जिद कहा जाता था। अब लिटरेचर अंडर दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंदर साहित्य कैसी थी, साहित्य कौन कौन से रचनाएं की गई, उसका ऐतिहासिक महत्व क्या था। तो बुक यानी कि किताब का नाम, उसके ऑथर, उसके लेखक कौन है और उसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस यानी कि उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो सबसे पहला जो बुक है वो है तहकीक ए हिंद। तो तहकीक ए हिंद अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। अल बरूनी वॉज एन अरेबियन स्कॉलर हु रोट अबाउट द स्लेव डायनेस्टी। तो अल बरूनी क्या था, एक अरबियन विद्वान था, अरबिया का विद्वान था, जिसने कि स्लेव डायनेस्टी के बारे में, गुलाम वंश के बारे में लिखा है। तबकात ए नासिरी, तो तबकात ए नासिरी जो रचना है वो मिनहास उस सिराज के द्वारा किया गया है। मिनहास उस सिराज ने तबकात ए नासिरी की रचना की है जो कि गिव्स एन अकाउंट ऑफ इल्तुतमिश रेन यानी कि इल्तुतमिश के शासनकाल के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। अब लैला मजनू, तो लैला मजनू के ऑथर कौन है, अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो क्या थे, तो इस कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे और इन्होंने लैला मजनू किताब की रचना की है। खजान ए उल फतूह यानी कि खजान उल फतूह की भी रचना अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है और ये अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी विजय थे, कॉन्क्वेस्ट थे, उनके बारे में ये बताता है। तुगलक नामा, तो तुगलक नामा भी अमीर खुसरो के द्वारा रचना किया गया है और गिव्स अकाउंट ऑफ गियासुद्दीन रेन यानी कि गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल के बारे में इसमें जानकारी दी हुई है। नो सुफीर भी अमीर खुसरो के द्वारा रचना किया गया है और पोएटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी और उसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पोएटिक तरीके से कविता के रूप में उसका वर्णन किया गया है। फतवा ए जहांदरी, तो फतवा ए जहांदरी जियाउद्दीन बरानी के द्वारा लिखा गया है और गिव्स एन अकाउंट ऑफ द तुगलक डायनेस्टी और तुगलक वंश के बारे में फतवा ए जहांदरी जो कि जियाउद्दीन बरानी के द्वारा लिखा गया है, तो इसमें तुगलक वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अगला जो किताब है वो है तरीका ए फिरोज शाही। तो तरीका ए फिरोज शाही जो थे वो जो है वो ये भी जियाउद्दीन बरानी के द्वारा लिखा गया है और इसमें फिरोज शाह के शासनकाल के बारे में जानकारी दी गई है। फतवा ए फिरोज शाही, तो फतवा ए फिरोज शाही फिरोज शाह के बारे में लिखा गया है और इसमें भी फिरोज शाह के शासनकाल के बारे में जानकारी दी गई है। किताब फी तहकीक, तो किताब फी तहकीक अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है और इसमें इंडियन साइंसेस के बारे में जानकारी दी गई है, भारतीय विज्ञान के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। कानून ए मसूदी, तो कानून ए मसूदी अल बरूनी के द्वारा ही लिखा गया है और इसमें एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानकारी दी गई है। जवाहर फिल जवाहर, तो जवाहर फिल जवाहिर अल बरूनी के द्वारा ही लिखा गया है और इसमें मिनरलॉजी के बारे में दिया गया है यानी कि खनिज संसाधनों के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। कमास जो है वो फिरोजाबादी के द्वारा लिखा गया है और ये क्या है, तो ये एक अरबिक वर्ड्स डिक्शनरी है यानी कि अरबिक शब्दों का ये एक डिक्शनरी है। ताज उल माथिर, तो ताज उल माथिर हसन निज़ामी के द्वारा लिखा गया है और इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है, तो इसमें हिस्ट्री ऑफ इलबारिस द स्लेव डायनेस्टी यानी कि इलबारिस के इतिहास के बारे में दिया गया है जो कि गुलाम वंश के बारे में है। चचनामा, तो चचनामा अबू बकर के द्वारा लिखा गया है और इसमें सिंध रीजन के इतिहास के बारे में, सिंध क्षेत्र के इतिहास के बारे में दिया गया है। लुबाब उल अलाब, तो लुबाब उल अलाब बुखारी के द्वारा लिखा गया है और यह पर्शियन एंथोलॉजी के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। खामसाह किसके द्वारा लिखा गया है, तो अमीर खुसरो के द्वारा और ये क्या है, तो लिटरेचर एंड पोएम, तो इसमें साहित्य और कविताएं लिखी गई हैं। शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया है, फिरदौसी के द्वारा शाहनामा लिखा गया है और इसमें अबाउट महमूद गजनी रेन यानी कि महमूद गजनी के शासनकाल के बारे में इसमें दिया गया है। किताब उल रेहला, तो किताब उल रेहला लिखा गया है
इब्न बतूता के द्वारा, और इसमें ट्रेवलॉग विथ स्टोरी यानी कि इसने अपने यात्रा वृत्तांत कहानियों के माध्यम से बताया है। मिफ्ताह उल फुतूह, तो मिफ्ताह उल फुतूह लिखा गया अमीर खुसरो के बारे में, और इसमें जलालुद्दीन कॉन्क्वेस्ट एंड लाइफ यानी कि जलालुद्दीन के उसने कहाँ कहाँ विजय किए और उसके जीवन के बारे में उसमें जानकारी दी गई है। मुल्ता उल अनवर अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया और क्या है, एक लिटरेरी मास्टरपीस है। आयना ए सिकंदरी भी अमीर खुसरो के द्वारा लिखा है और भी एक साहित्यिक मास्टरपीस है। हष्ट बिहिष्ट अमीर खुसरो के द्वारा ही लिखा गया है और यह भी एक लिटरेरी मास्टरपीस है। शिरीन खुसरो भी अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया और यह भी एक साहित्यिक लिटरेरी मास्टरपीस है। तारीख ए फिरोज शाही, तो ये सिराज अफीफ के द्वारा लिखा गया है और इसमें हिस्ट्री ऑफ तुगलक्स यानी कि तुगलकों के इतिहास के बारे में दिया गया है। फुतूह उल सलातिन इस्लामी के द्वारा लिखा गया है और इसमें बहमनी साम्राज्य के बारे में दिया गया है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में स्लेव डायनेस्टी से लेकर तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, इन सब के बारे में पढ़ा, और यहाँ से ही हमारा दिल्ली सल्तनत जो है वो ख़त्म हो जाता है। मध्यकालीन भारत में हमने दिल्ली सल्तनत इस वीडियो में ही कंप्लीट कर लिया। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे विजयनगर और अदर किंगडम्स यानी कि विजयनगर और कुछ अलग अलग साम्राज्य थे उनके बारे में, कुछ छोटे छोटे साम्राज्य हैं साउथ इंडिया के साम्राज्य, दक्षिण भारत के, इनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।